स्कूल में भी नहीं करा करता। हाँ अनडिसिप्लिन था। आपको कभी लड़ाई झगड़ा होया हो, आपके क्यों गोली मारी? आप कोई ज्यादा बड़ा कारण था के था? कोई बड़ा कारण नहीं था। हमने जहाँ तक हमारा अंतर था, हमने यू ऑर्डर 3 साल पहले भेज दिया था। इसका जो काम में शिकायतारी थी यहाँ कुछ था 3 साल पहले। अच्छा 3 साल पहले 2017 में मतलब। हाँ थी जी, ये बच्चा में गुरु बाजी मतलब बच्चा में प्रैक्टिस अच्छी नहीं कराना। जिस दिन इन्हें वारदात करी उस दिन आपको फोन करके बुलाया, हम छापने लग रहे हैं वो ठीक है गलत है? हाँ 7:09 पर फोन करके बुलाया मुझे 12 तारीख को। 12 तारीख को जी। हाँ शाम को के बोला 7:09 वर्ड टू वर्ड उसकी है कुछ के कहा था उसने? हाँ उसने बोला मेरे को जी हमारी क्या सुनी चल रही है आपस में मनोज सरगल्ला। हाँ मनोज सती सरगल्ला। अच्छा हमारी आपस में अनबन हो रही है, सुनी चल रही है और मैं मेरे को निकाल दिया है, निकाल रहे हैं और आप मेरे को एक बार बात करो, मेरे को दोबारा रख लो खाड़े में। या हाँ अरे मेरे को एक बार मिल लो और मेरी हमारी इस बार में बात करो, मेरे को वो निकाल रहे हैं दोनों बात वहाँ भी मतलब उस बार में भी बात करो और यहाँ वहाँ रखने वाले में भी। हाँ मेरे को मौका मतलब दियो। हाँ 7:09 फोन आया, मैंने उसको बताया भाई मैं तेरे को थोड़ा मुझे टाइम दे मैं बताता हूँ। अच्छा अब नहीं हो गया? हाँ मैंने बोला उसको। फिर जी इस बीच मैंने अपने सीनियर कोचों से बात की नौकरी पे रखने के लिए। हाँ उसको काम ऐसे से वो काम मांग रहे मिल नहीं कर। अच्छा फिर मेरे सीनियर कोचों ने मुझे बताया भाई देख ले है तो यू अनडिसिप्लिन है लेकिन कुछ भाई ने बोला कि भाई आ रहा है तो बात कर ले, बात करने में क्या जाता है। हाँ सही बात है, है? तो फिर उसका 40 मिनट बाद फिर 7:48 पर फिर फोन आता। अच्छा आप गए नहीं? मैं गया नहीं। अच्छा। मैंने फोन भी नहीं करा उस दिन, मैं और काम लग गया छोड़ा नहीं इग्नोर यहाँ कर दिया मैंने। फिर और काम लग गया 7:48 पर फिर फोन आता है। यानी कि 7:09 थी उसने कांड करे कर दिया था वो कांड था वो कर दिया था वो तो उन्होंने 7 से पहले पहले कर दिया वो ओढ़े था जिप्टी कितने था हमने उन्होंने मेरा फिर फोन आया 7:48 पर फिर फोन। फिर वो बोला जी कुछ सामने आपने बताया नहीं मुझे अब बता रहे थे बताऊंगा भाई मैं बताऊंगा बोले आप कहा मैं वही आ जाऊँगा। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक मैं तू कहाँ है बोले मैं हूँ किशोरी खोले चलो मामा वही आता हूँ ये नज़दीक है मैंने लोग हो गया चल जाया वे अकेला के क्यों आड़े तो उसकी अना बड़ी और जाया नहीं करना चलो मामा आता हूँ। तो उधर जाकर फिर वो सामने खड़ा था मैंने गाड़ी का हॉर्न दिया उसको नॉर्मल खड़ा। हाँ वो एक स्विफ्ट गाड़ी के पास खड़ा था स्विफ्ट सफ़ेद तो उसके पास खड़ा था तो वो दीवार के साथ किशोरी कॉलेज के पल्ले गेट में तो मैंने उसको ओढ़ दिया उसने कोने सुना फिर मैंने फेर दिया फिर उन्होंने सुना फिर इशारा करे मैंने उन्हें कराया इशारा किया फिर वो आने लग गया तो वो ड्राइवर साइड आने लग गया। अच्छा आपकी साइड में गाड़ी बैठा था वो अपनी गाड़ी उस जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो दीवार के सारा खड़ा था बाहर निकल के गाड़ी से तो आने लगे तो ड्राइवर साइड आने लगा फिर मैंने उसको ओढ़ दिया जब वो ड्राइवर साइड आ रहा था ओढ़ देगा मैं बोला इधर आ जाए ऐसा ला करके अंदर से फिर वो उल्टा मुड़ के साइड तो मैंने झुक के जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खोलिया बैठने खतरा आदमी चलो बैठा हुआ बात कराएंगे जैसे ही दरवाज़ा खोलिया खोलते उसने कोछा और गोली मार दी वही इतना ही कहा आपने। हाँ और मार के ये बोला उनको मारे हूँ फलाने फलाने को मनोज सतीश को प्रदीप को उनको 5-6 को। अच्छा अरे छोड़ दो नहीं गा उनने भी आपने भी छोड़ दो और औरान भी देखो तो वो कर रहा था इतना में मैं खिड़की खोल के बाहर निकल गया गोली लगी पीछे। हाँ गोली लगी अड़क लग गया शीशा में गई बार मेरा खिड़की पर हाथ गया रे मैं खिड़की खोल गया वो चुक रहा था ना कि मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ा था भीतर भी तो मैं खिड़की खोल गया बाहर लग गया मैं भाग गया एक रोड क्रॉस करके मैंने पुरले रोड पर गया तो एक वरना गाड़ी का मेरी टक्कर लगी एक रोड मेरा ठीक क्रॉस हो गया फिर वो टक्कर लगी तो फिर मैंने मुड़ के देखा कहते पीछे लग रहा वो अपनी हाँ पीछे लग रहा वो अपनी गाड़ी की तरफ
जा चुका था। अच्छा, और मैं फिर इधर आ गया हॉस्पिटल की तरफ। रास्ते में मैंने अपने अखाड़े वालों को बोला, अब फोन कर दो ऐसे ऐसे सुखविंदर विरोधी ने मेरे को गोली मार दिया, आप अखाड़े में ब्रह्मचारी पहलवान को फोन कर दो। और मैं फिर और दो तीन बच्चे मेरे साथ हॉस्पिटल में चले गए, कदे फिर दोबारा आ जा, और एक दो बच्चा इधर खाड़े फोन कर दिया, इधर आ गया और मैं एडवांटा हॉस्पिटल में चला गया। बालक लेके चले गए आपने? हाँ, बालक मिल गया मुझे रोड पे। अरे या चेयर दिए भरे, इसका मतलब ये हो गया वो न मारने के बाद घंटा भर सारा या डेरा है। 40 मिनट तो मेरा वेट करे, 40 मिनट तो आपका वेट करे। इतने उनका ऊपर वाला ने किसी अगर किसी ने बेरा गुन लगे वो मानने, वो तो देखो जो वो ही बताओ, मैं ही बताऊंगा। दम तो आपकी भी थी बेटा, इसका क्यों क्या प्रशासन तो जाओ फिर, यहां आप क्यों बैठे हो? अच्छा, जो ये खड़ा है ये जाट कॉलेज का है? हाँ, वो जाट कॉलेज में इन लेक मारा तो खड़े कोई मतलब है नहीं? नहीं नहीं, उन उनका आलमे तो होया है। हाँ, जिम्मे जी जो आलम मारे तो मारे तो कोई मतलब को नहीं खड़े का, ये तो मनोज को चलाने लग रहा। ना 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 जी ना, सारा फोटो देखो ना, रोज फोटो मैडम के लतरवा कर दे। हाँ डेली, ये एक बार ये लिखो, ये मेरे पास फोटो भी होंगे इसमें आपके पास है सारी प्रेस के पास। ये एक बार पूछो ना प्रशासन से, सरकार से, भाई इनको कैसे लगा रहे, कोई वैकेंसी, कोई ठेका या कोई डीसी रेट पे इनको कैसे कोच लगा रखा है? अच्छा, एक और जी, जो वहाँ जो बच्चे थे उनके 2.5 लाख के करीब हर महीना आता था, वो पैसे कहाँ कैसे? आप तो सुनो जी, किसे मैं बताऊँ, वो बच्चे भी कैसे रहते थे और वो कोच भी वहाँ उनको रहने के लिए भी, और वो कोच लगा रखा था, किस कोई वैकेंसी हो, अरे भाई कोई तो चीज़ इसी हो भाई जो सरकारी संस्था में कैसे ऐसे रख रखे। जो सामने आई थी वो यह बात आई थी कि मनोज कोच ने लगाया अपने ब्याह 15,000 रुपये, बात ठीक है ऐसी? हाँ भाई, इस बात मुँह भी काट दो, तो मनोज जगह लगाया तो मनोज ना रखी तो जगह तो दिलाई थी मनोज ने, काट दो स्थिति। हाँ वही, फिर भी सरकारी संस्था में फिर भी लिखवा, वहाँ पे पहले भी कुछ वो आया था झगड़ा आपस में, फिर भी कोई पहले भी भाई मनोज ने भी लगा था ठीक है, लेकिन उनको कैसे लगा दिया? कैसे लगा उनको इतना कैसे दे, ना कोई वैकेंसी ना कि मैं और लिख दो। मनोज जी उसका मालिक थोड़ा था, उसने वैसे लगा दिया, मनोज के मालिक था, संस्था मालिक थोड़ा था, वो अपना नौकरी कर रहा है, बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल भी, उसको रहने के लिए भी जगह दे रखे, लगा लगा बिल्डिंग जाट कॉलेज की है। हाँ हाँ, वो तो ठाटते बैठी है मैडम, रोज फोटो उतरा कर दी कैसी जगह, बीच में रहना आदमी, कट्ठी रोटी खड़े आदमी, और इधर छोटे बच्चे थे को औरता थे, मतलब ऐसा तो हम सही बताओ जी, हमने भी रोनी आ गई जी बालक के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आइयो सामने देखो जी, प्रशासन अपना काम लाग रहे हैं है, और सब लाग रहे, उनके परिजन भी लाग रहे हैं, सब लाग रहे हैं, जो ही काम कर रहा है सारी बात आऊँ, ये कोई एक थोड़ी ना आग भाई। तो उनके मनोजर के बारे में, सरताज हो गया, साक्षी हो गया, उनके बारे में कुछ आपने कहना हो? बहुत गलत है, बहुत ही गलत है यार, 5 इंटरनेशनल प्लेयर, एक बेटा 2.5 साल का, अरे कोई जमा एक दोस्ती में यारी में एक रोटी थाली में एक खाना खाने इकट्ठे में बाहर, बहुत ही दोस्ती गई, इतिहास में इतना बड़ा कांड हुआ नहीं था जी, खेल जगत में ऐसा निर्दयी कांड हुआ नहीं था, बहुत ही गलत, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आगे भविष्य में। अच्छा, आपने नूबी लग गया अपने स्तर पर पूछ रहे हो मतलब कि यो एक लाए था पूरी वारदात में, और भी कोई था आपने कदे पहला सब होया हो? देखो जी, गुटबाजी करे बंदा मेरे को तो मेरे से जो वारदात हुई, जो मेरे से उसका जितना भी टाइम हुआ है वो है, उसमें अकेला था। हाँ, बाकी और प्रशासन अपना काम करे। हाँ, और वो जाँच करके? हाँ, और तो जाँच में जो सामने आए वो सबके सामने। अच्छा, यही बात सामने आई थी कि आपके अलावा भी और तो फोन कर रहा था 2-3 ना था? देखो जी, मेरे को बोला था, किसी नाम नहीं बोला। अच्छा, कि भाई मैंने उनते हाँ औरान भी देख लूँगा। अच्छा, ना फोन करके बुलाया ना, मेरे सामने किसी को फोन नहीं। अच्छा, आप यहाँ खड़े हो? हमें तो खड़ा था।
यही है जी, जो शिकायत कर दी थी वो काट दिया था, यही होगी जी हमने तो हाँ, ये वो तो एक बार भी देर ये है और ये और कोई भी बात नहीं है, ये तो बात है ये बाप हुए परेशान हो जाए कब कुछ वो तो होगा भाई, रोटी खाते पेट खाते तो कंपटीशन उसमें तो बैठे बच्चे सिर्फ महाराज तो जो है ना महाराज उनका तो महाराज तो एक मान सम्मान को उस उसको अगर भाई ये क्यों कर रहे हैं अच्छा काम, इनकी मान सम्मान क्यों बढ़ रहा है, इनका काम धंधा क्यों चल रहा है, कोई बात नहीं ठीक रहे हैं। देखो जी ना कोई हम किसी के बारे कोई खातू बात नहीं ना हम कदे ये भी बेटी ने बेइज्जती करा दी कट्ठे आ गए और यहाँ से हमारा जय हम पहलवान है और ये हरदीप पहलवान यहाँ से वो हमारे पास गए थे कुछ आप छोड़ गए थे यहाँ से वहाँ नर्सरी थी पहले अच्छा तो इनके साथ जय भगवान हरदीप के साथ हम उल्टे फिर यहाँ आ गए अच्छा इसी खड़े में फिर यहाँ ये रहने लग गया यहाँ फिर पहलवानी करने फिर ये नाइस कर दोनों जने सतीश भी हो गई रहते कट्ठे ही नाइस करके अच्छा सतीश और कट्ठे हां यार रहते पहलवानी कर दिखाया नाइस करे फिर यही इनको कोच लगा दिया चलो अपने बालक से नाइस करे कोच लगा दिया फिर इनका काम का शिकायत आने लगी दोनों फिर इनको भेज दिया या बात थी पढ़ते थे वहां हां वहां रेसलिंग एकेडमी थी स्पोर्ट्स स्कूल था कहां था निडाना निडाणी चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्कूल के नाम से है ये अब भी हो गया ना हाँ स्पोर्ट्स स्कूल है बहुत तगड़ा वहाँ पर रेसलिंग करते हैं सारे इकट्ठे सीखी थी आपने वैसे ना हाँ ये हमसे जूनियर था अच्छा कोच कौन सा था दिलबाग सिंह मलिक कितने साल हो गए उन्हें ये तो हो गए 2001-2002 की बात है अच्छा भाई कभी आपने पहले भी लग गया ऐसा किस आप गल कोई कास होनी हुई हो लड़ाई हो चेयर ले और किसी का ले 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 पहलवान ऐसा कभी नहीं लगा इस तरह का कभी नहीं लगा कि भाई वो लड़ाई झगड़ा तो होता होगा छोटा मोटा इस तरह का लगा इसमें असामाजिक था मतलब अनडिसिप्लिन था शुरू से हाँ